होटल, इनके हस्बैंड और इनका पूरा परिवार आए हैं, सबका तहे दिल से स्वागत सम्मान करते हैं। पूरा दिन हमारे बीच में डॉक्टर झरना पटेल एंड इनका पूरा फैमिली, गजेंद्र पटेल इनके हस्बैंड, बेटा भी है, सब आए हैं। और भी एक मेहमान, मेरी बड़ी बहन है, झरना जी की बड़ी बहन है, देखो जबरदस्त तालियों से सबका स्वागत करेंगे। पूरा दिन हमारे बीच में है, हो सके इतना हमें लाभ लेना है इनका, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जी। अहिया आहिंदे, यहाँ पे मुझे जो बुलाया है वो पंड्या सर का बहुत बहुत धन्यवाद, अर्तिराज जी का और पूरी महसारा की टीम जो मुझे इनवाइट करती है यहाँ पे। और आप सबके लिए तालियां, जो आप यहाँ पे अपना घर छोड़ के, अपना बिजनेस सब कुछ छोड़ के आप यहाँ पे हमें सुनने के लिए आए हो, तो एक बार आप सबके लिए तालियां हो जाए। वो तो कुछ बाकी नहीं रहेगा, फिक्र छोड़ो। और कुछ भी बाकी रह जाए तब तक मैं जाऊंगी नहीं, जब तक आप बोलोगे कि ओके तब तक मैं बोलूंगी। माँ सरस्वती के आशीर्वाद है मेरे गले में और भगवान की जो भी इच्छा होती है वो सब कुछ पूर्ण होता है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि यहाँ पे मुझे आने को मिला और यहाँ पे आप सुन रहे हो मुझे, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। सबसे पहले तो मैं कुछ भी चीज बोलने के पहले मैं ईश्वर का आभार प्रकट करती हूँ कि भगवान ने मुझे इस काबिलियत रखा है कि मैं यहाँ पे आप तक पहुंच पाई। और मैं ये तप कर रही हूँ कि ये तपोभूमि में मुझे आने को मिला, साथ में दूसरे जो है वो मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ, और मेरे हस्बैंड कि जो हर हाल में, हर कोई भी प्रॉब्लम हो या सुख हो दुख हो उसमें मुझे साथ देते हैं, कहीं पे भी जाना हो मुझे लेके जाते हैं, लेके आते हैं, और 24/7 मुझे हर चीज में कंपनी देते हैं और बहुत ही अच्छी कंपनी देते हैं कि मैं जितना हो सके इतना आगे बढ़ूं। उसके लिए मेरा पूरा परिवार, मेरा डॉटर है, सॉरी मेरी डॉटर है, मेरे सन है और हम चार लोग साथ में रहते हैं, तो चारों लोग जो है वो न्यू डाइट सिस्टम को 90% फॉलो करते हैं और मैं जो हूँ वो 100% फॉलो करती हूँ। वो सभी कभी कभार कुछ ना कुछ चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन मैं जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ये सिस्टम को फॉलो करती हूँ। तो आज मेरे साथ मेरी बड़ी बहन जो मेरे से 8-9 साल बड़े हैं, वो भी उनको साथ में लेके आई हूँ क्योंकि उनको पाँव में थोड़ा सा अभी 2 महीने पहले फ्रैक्चर हुआ था, उसके 2 महीने पहले बाथरूम में कुछ गिर गए थे तो फिर से पैर में बहुत ज्यादा गहरी चोट आ गई थी। तो उनको बहुत ऐसी इच्छा थी कि मैं लास्ट ईयर जब सिद्धपुर आई थी तो उन्होंने वीडियो देखा था, तो एक साल से इंतजार कर रहे थे कि कब सिद्धपुर आए ये तपोभूमि में और ये महादेव जी के दर्शन करें और आप सबको भी मिले कि कैसे घर छोड़ के 7 दिन का तप कर रहे हैं लोग और ये ग्रेप्स पे रह रहे हैं। वैसे तो ये भी मेरे साथ 5 साल से जुड़े हुए हैं, मेरी बहन कि वो भी 5 साल से ये न्यू डाइट सिस्टम ही करते हैं, तो उनको भी मैं मौका दूंगी कि जो 5 साल की उनकी जो जर्नी है वो भी वो बताएंगे। तो मैं अपने बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ, प्राकृतिक चिकित्सक बोल सकते हैं, और न्यू डाइट सिस्टम को मोटिवेट कर रही हूँ और जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं वो सभी लोग को मैं कैसे हेल्दी रहना है उसके बारे में मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ ईश्वर से वो मैं बिना कोई भी चार्ज लिए निशुल्क में मैं सेवा करती हूँ। अहमदाबाद का नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है जहाँ पे 4 बजे से 6 बजे 365 डे मैं निशुल्क में सबको सलाह देती हूँ कि कैसे स्वस्थ रहना है। अगर कोई बीमार हो तो उनको भी मैं बताती रहती हूँ कि भाई कैसे
निरोगी जीवन जीना है। तो ये जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि जिसको रोग आ गया है उनको ही करना है, लेकिन ये सिस्टम ऐसी है कि जो भी लोग करेंगे वो कभी बीमार ही नहीं होंगे। तो बीमार होने के बाद हम जागते हैं कि भाई बीपी क्यों आ गया, डायबिटीज क्यों आ गया, मोटापा क्यों आ गया। तो प्रॉब्लम आने के बाद हमें सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है कि नी में प्रॉब्लम आ गया है, चला नहीं जाता है, घुटने काम नहीं करते हैं, खाना हजम नहीं होता है, बाल झड़ने लगे हैं, कान में सुनाई नहीं देता है। ये सारे प्रॉब्लम जब आ जाते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई मुझे क्यों ऐसा हुआ है। लेकिन हम ऐसा सोचेंगे कि अगर हमें बीमारी आए ही नहीं, और अगर आई है तो वो चली जाए, तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट सिस्टम है ये न्यू डाइट सिस्टम। तो इसमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो लास्ट वीक भी मुझे सुना है और इस वीक भी है मेरे पास। जी बहुत अच्छा, आपके लिए भी बहुत तालियां कि आप दूसरे वीक पे अटेंड कर रहे हो। तो ये 7 दिन का जो शिविर था उसमें 10 दिन का जो शिविर था उसमें तो आपने 10 दिन ग्रेप्स खाई, लेकिन और 10 दिन आप ग्रेप्स खाओगे। तो मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगी कि आपकी जो भी उम्र हो, 10 साल 50 साल जो भी उम्र हो, तो ऐसी उम्र में आपने कभी ऐसा अनुभव किया था कि लगातार 20 दिन तक ग्रेप्स? तो आपके लिए तालियां हो जाए। जी एक दिन भी नहीं ग्रेप्स खाया था। हमारे यहाँ पे भी कल ही एक सर आए थे जो SBI में मैनेजर थे, तो मैंने उनको ये हमारी सिस्टम के बारे में बताया। उनका वजन था 90 kg, तो कोई दवाई नहीं चल रही थी। तो बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने सुना है आपके बारे में, तो मैं जानने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा करना है। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मैंने जिंदगी में कभी फल खाए ही नहीं है, और आप तो बोल रहे हो कि लंच में डिश भर के फल खाना है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे हो पाएगा। तो मैंने कहा कि भाई धीरे धीरे स्टार्ट करो, जो कुदरत का बनाया हुआ भोजन है वो खाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। वैसे तो हॉस्पिटल में हम जब जाते हैं तभी बीमार हो जाते हैं तो जूस पे आते हैं या फिर फल पे आते हैं, पपीता खाने को या एप्पल खाने को सब बोलते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा सोचे कि बीमार नहीं हो इसके लिए ही ये खाया जाए जो कुदरत ने बनाया है, कि जैसे 84 लाख जीव पूरे विश्व में है, हमारे अलावा कोई खाना नहीं पकाता है। आपने कभी देखा कि बंदर खाना पका रहा है? आपने कभी देखा शेर खाना पका रहा है, हाथी खाना पका रहा है, चलो चींटी खाना पका रही है, मक्खी ने खाना पकाया? और ऐसे कौन इंसेक्ट्स है या ऐसे कितने एनिमल्स है कि जो बीमार हो गए, जिसको बीपी हो गया, टीबी हो गया, डायलिसिस आ गया, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, तो वो सबको कुछ भी नहीं होता है। तो वो लोग बिना पकाए हुआ खाना खाते हैं पूरी जिंदगी। और हमारे जीवन में भगवान ने थोड़ी एक्स्ट्रा बुद्धि दे दी है। गाय के पास इतना बुद्धि नहीं है जितना हमारे पास है, तो गाय के पास बुद्धि नहीं है फिर भी उसको पूरे खेत में हम छोड़ देते हैं, और पूरा खेत में हम बोलते नहीं है कि 12 बजे खाना है, 8 बजे खाना है, 100 ग्राम खाना है, 1 किलो खाना है, फिर भी उसे पता चलता है कि कुछ लिमिट होती है। और ये जो लिमिट है वो इंसान को पता नहीं होती है कि कितनी रोटी खानी है, कितने चावल खाने हैं, कितनी दाल खानी है, कितनी चाय पीनी है, कितने पकोड़े खाने हैं। तो ये सब इंसान को ही समझाना पड़ता है। तो डॉक्टर के पास जाके हम पूछते हैं कि कब खाए, कितना खाए, क्या खाए। तो एनिमल्स के सामने हमें देखना चाहिए कि बंदर है उसको किसने डाइट प्लान दिया, वो जो है वो सहजन की पत्तियां खाएगा या नीम की पत्तियां खाएगा, कोई भी पत्तियां खा लेगा। तो उसको कोई बोलता नहीं है कि कितनी पत्तियां खानी है, कितने बजे सोना है। और हम जब ये सिस्टम बोलते हैं तो सब लोग ऐसा बोलते हैं कि डाइट चार्ट दे दो या टाइम टेबल दे दो या डाइटिंग का प्लान दे दो या फिर कुछ ऐसी टिप्स दे दो कि जिससे हम आज ही ठीक हो जाए। तो हमारे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई टिप्स नहीं है, हम नेचर को फॉलो करते हैं और वो ही हम आपको बोलते हैं कि मैं आज मेरी बात करूं कि मेरे घर में आज 50 kg ग्रेप्स पड़ी है, तो मेरे हस्बैंड बोल के नहीं जाएंगे कि 2 ग्लास जूस पीना या 4 ग्लास जूस पीना।
या मेरे बच्चों को मैं पूछूंगी नहीं कि 500 ग्राम खाऊं कि 1 केजी खाऊं, मैं किसी को ये भी नहीं पूछूंगी कि कितने बजे खाऊं। तो मुझे जब भूख लगती है तो ग्रेप्स खानी है। तो जितने भी लोग पूरे विश्व में ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये शिविर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि शिविर में आना बहुत ही लक की बात है, किस्मत की बात है कि आप अपना काम छोड़ के, अपना घर छोड़ के आप यहाँ पे समय व्यतीत कर रहे हो अपनी हेल्थ के लिए। तो वैसे ही जो हेल्थ होती है वो सबसे बड़ी चीज है। मैं एक उदाहरण कहना चाहूंगी कि अगर मेरे पेट में कोई तकलीफ है या मेरे पैरों में कोई तकलीफ है या मेरे शरीर में कहीं पे भी पेन हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार और कोई नहीं है, मैं और मैं सिर्फ मैं ही हूँ। क्योंकि मैं मेरे शरीर को अगर गलत भोजन दूंगी, गलत खाना दूंगी, ओवर ईटिंग करूंगी तो ही मेरे शरीर में प्रॉब्लम आते हैं। पूरे विश्व में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन मतलब कि ऐसा कोई नहीं है कि जो मुझे परेशान कर सके। अगर कोई ऐसा है कि जो मुझे परेशान कर सके वो सिर्फ मैं हूं और मेरा शरीर। कि अगर मैं मेरे पैरों पे खड़ी रहती हूं, मुझे दुख होता है, मुझे पेन होता है, नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है या सूजन आ जाती है, कुछ भी ऐसा होता है तो मैं उसकी जिम्मेदार हूं। तो मेरा दुश्मन कोई और नहीं है, मैं खुद हूं। तो जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले ये टिप्स जो है वो याद रखना कि चाहे आपको वॉमिट हो जाए, चाहे आपको डायरिया हो जाए, या चाहे आपको इनडाइजेशन हो जाए या किडनी फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा शरीर है तो उसको क्योर करने के लिए और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेट को लॉकडाउन। मतलब कि अभी पंड्या सर ने जो अनाउंसमेंट किया कि कल जो है वो 11 है, मुझे भी याद नहीं है, कल ही है ना, परसों, ओके, परसों जो 11 है तो उस दिन को सबको निर्जला करना है। तो आपको लगेगा कि एक दिन के पैसे बच गए ग्रेप्स के, या फिर जूस कम पिलाना पड़ेगा, तो ऐसी सिस्टम नहीं है। जूस के पैसे वो अपने पर्स में भी, पर्स से भी वो निकाल के आपको पिलाएंगे, लेकिन अगर आप एक दिन का निर्जला करोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि बिना खाए भी रहा जाता है। जैसे मैं अपना अनुभव बोलूं कि मैंने 9 दिन तक निर्जला किया था जब नवरात्रि का फास्टिंग था। मुझे जिंदगी में कभी ऐसी आदत नहीं थी कि मैं फास्टिंग करूं। मैं जन्म से लेके जब भी तक ये सिस्टम नहीं मिली थी तभी मैंने कभी मंगलवार या सोमवार या शनिवार भी नहीं किया था, कभी 11 भी नहीं की थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि लंघनम परम औषधम, मतलब कि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आया है तो उसको क्योर करने के लिए एक ही सिस्टम है कि मुंह में कुछ भी डालना बंद कर दो। मेरी YouTube पे चैनल है, चैनल का नाम है NDS हेल्थ सेंटर डॉक्टर झरना पटेल, और मेरा फोन नंबर है 9824317955। अभी जब भी इंटरवल पड़ेगा तो मेरा बेटा जो है वो आप सबको मेरा कार्ड दे देगा, तो नंबर जिसके पास नहीं है वो भी ले लेना। और सुबह में 10 बजे और 12 बजे में कोई भी मुझे फोन कर सकता है रिगार्डिंग टू हेल्थ। तो ये सिस्टम में मैं कहना चाहूंगी कि आपके पास 1 लाख होगा या 10 लाख होगा तो कोई ऐसा नहीं पूछता है कि पूरी जिंदगी में कितने पैसे इकट्ठे किए। लेकिन मैं जब भी यहाँ पे आई तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे कला बहन मिले और केसर बहन मिले, तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि कैसे हो आप। तो किसी ने ये नहीं पूछा कि कितना बैंक बैलेंस इकट्ठा करके आए। तो जरूरी क्या है, हेल्थ की वेल्थ? हेल्थ अच्छी है तो दवाइयां जो भी खाते हो। कौन कौन ऐसा है यहाँ पे कि जिन्होंने जितने दिन से यहाँ पे आए हो, आज कौन सा दिन है आप सबका? पांचवा दिन। तो 5 दिन से एक भी टैबलेट नहीं खाई हो, वैसे कितने लोग हैं यहाँ पे? कौन सी दवाइयां बंद कर दी 5 दिन में? जी, तो जिन लोगों ने दवाइयां 5 दिन से नहीं खाई है उन सब लोगों के लिए तालियां, क्योंकि हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो ये जो मेडिसिन का त्याग कर चुके हो तो इसके पास आपके पास 2 चॉइस है,
अगर पूरी जिंदगी हॉस्पिटल जाना हो, डॉक्टर के पास जाना हो, दवाइयां खानी हो, बीपी चालू रखना हो, 20 साल तक डायबिटीज की दवाइयां खानी हो, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप्स दूंगी कि अगर दवाइयां खानी हो तो क्या करो। टिप्स चाहिए ऐसी कि दवाइयां खानी है तो क्या करें, तो उसके लिए चाय पी लेना, दूध पी लेना, छाछ पी लेना, दवाइयां चालू हो जाएगी। और भी नहीं हुई तो पेट भर के रोटी सब्जी दाल चावल, चार पांच रोटी पराठा, लड्डू जलेबी फाफड़ा भजिया ये सब खा लेना। फिर भी अगर गोली नहीं स्टार्ट हुई है तो होटल का भी खा लेना, रेस्टोरेंट का भी खा लेना, पेट बाहर आ जाएगा, गोलियां चालू हो जाएगी। तो इसका ऑपोजिट कि जिसको भी दवाइयां बंद करनी हो उन लोगों को मैक्सिमम ऐसा खाना है 80% 50% या 90% या तो फिर 100% कि भगवान का बनाया हुआ भोजन खाइए। अगर मैं रोटी सब्जी दाल चावल बनाऊंगी तो 1 घंटा होता है खाना पकाने में, कितने सारे बर्तन होते हैं पूरा प्लेटफॉर्म भर के और कितना मेरा टाइम बिगड़ता है और वो खाने के बाद मेरा दिमाग बिगड़ता है। तो अगर भूख आपको भी लगती है, भूख मुझे भी लगती है, तो मुझे पेट भर के खाना है और रोटी सब्जी दाल चावल नहीं बनाने हैं तो मैं क्या करूंगी। भगवान ने बनाया है सब कुछ हमारे लिए, अगर चींटी के लिए भी भगवान ने बनाया है, बंदर के लिए भी बनाया है, शेर के लिए भी बनाया है, तो मैं भगवान की दुश्मन थोड़ी हूं कि मेरे लिए बनाना नहीं बनाएंगे। भगवान ने इतनी सारी ग्रेप्स बनाई है। आपके पास 1 लाख रुपया हो तो उसमें से 50,000 दवाई के लिए रेडी रखिए, या तो फिर 50,000 जो है वो फ्रूट लाके खाइए। अगर फ्रूट में पैसे जाएंगे तो हेल्थ बच जाएगी और दवाई में पैसे नहीं जाएंगे। जो भी इंसान दवाई खाता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बीपी ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गया, लेकिन जो भी दवाई खाएंगे उसमें से उसकी जितनी साइड इफेक्ट होगी वो हमें पता नहीं है कि ये इतनी सारी टैबलेट्स हमारे पेट में गई उसकी कितनी सारी साइड इफेक्ट है। मैं अभी मेरी सिस्टर का बात बता रही थी कि उनको एक्सीडेंट हो गया तो जो 4 महीने का बेड रेस्ट कहा था डॉक्टर ने, तो वो बेड रेस्ट में उनको डॉक्टर ने 6 महीने तक बेड में से खड़ा होने का भी ना बोला था। वो सर्जरी को अभी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हुए हैं और वो बिना डंडा घोड़ी लिए बिना अभी चल के हमारे पास आए हैं। तो बिना दवाई के 2 महीने में एक भी टेबलेट नहीं खाई है और चल के आए हैं। तो ये जो है वो न्यू डाइट सिस्टम का कमाल है। अगर हम टिफिन बंधाएंगे जब हम बीमार हो जाते हैं, खाना नहीं पका सकते हैं, या तो फिर लॉकडाउन जैसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें हम खाना नहीं पका सकते और हमें कोरोना हो गया हो, तो 14 दिन तक टिफिन मंगवाना पड़ता है। तो इससे तो अच्छा है कि सुबह केले खा लो, शाम को टमाटर खा लो, दोपहर को जो है वो ककड़ी खा लो। तो ये जो है वो कुदरत ने ऑलरेडी खाना बना दिया है और हम जीभ के पीछे भाग रहे हैं। पूरे शरीर के हजारों ऑर्गन है, ये सारे ऑर्गन को अगर ठीक करना हो तो एक ही ऑर्गन को संभाल के रखिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी किडनी डैमेज ना हो, अगर आप चाहते हो कि आपका लीवर फेल ना हो, अगर आप चाहते हो कि आप 100 साल तक स्वस्थ रहो, अगर आप चाहते हो कि कभी भी हार्ट फेल ना हो, तो उसके लिए क्या करना होगा। जी भगवान ने बनाया वो खाना होगा। अगर हम बोलेंगे कच्चा भोजन तो पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? ये कच्चा नहीं है, ये कच्चा नहीं है, ये पक्का है। हम तो पका हुआ भोजन जो भगवान बनाते हैं उसको भी हम मृत करके खाते हैं, तो कितने मूर्ख हो गए। हम गधे को बोलते हैं मूर्ख, गधा मूर्ख नहीं है, हम मूर्ख है कि जो भगवान बनाते हैं उसको भी हम बर्बाद कर देते हैं। मैंने एक जगह पे गिफ्ट की दौर पे, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो फ्रूट्स लेके जाती हूँ, तो हमारे एक रिलेटिव्स हैं दूर के, तो वहां पे उनको उनके लिए मैं 1 डजन केले लेके गई
तो उनके घर में उस दिन कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि सब्जी नहीं थी, मतलब कि जो भी घर में सब्जी बनाते थे वो उस दिन सब्जी नहीं थी, तो वो सब्जी लेने जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मैंने गिफ्ट के तौर पे एक डजन केला दिया है, तो दोपहर में लंच में उन्होंने केले, पके हुए केले की सब्जी बनाई। हद हो गई कि जिसको सब सिर्फ छिल के हमें मुंह में डाल के खाना था उसकी भी सब्जी बना दी, तो समझो कि इंसान को, इंसान की दिमाग जो है वो कितना लोअर लेवल पे चला गया है कि जो डायरेक्ट खाना था वो भी हम नहीं खाते हैं और उसको भी बर्बाद कर देते हैं। जो भी भगवान बनाते हैं वो नहीं खाते हैं, हम विकृत कर देते हैं।
सिस्टम को मोटिवेट करती हूँ। सुबह में हम फ्री ऑफ चार्ज कंसल्टिंग करते हैं और इसके बाद में अगर 12 बजे के बाद में अगर रात के 12 बजे तक कॉल आता है तो मेरा बेटा अटेंड करता है, वो कंसल्टिंग करता है और मैं जो है वो सिर्फ सुबह में 2-3 घंटे ही कंसल्ट करती हूँ। तो जिसको और भी कुछ काम हो, इमरजेंसी में पूरे दिन में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मुझसे बात करनी हो तो 10-12 में बात कर सकते हैं। अहमदाबाद के नारायणपुरा में हमारा NDS हेल्थ सेंटर है जहाँ निःशुल्क में सेवा करते हैं। तो शाम को 4 बजे से 6 बजे आप आके मिल भी सकते हो और अगर आप पूरे विश्व में कहीं पे भी हो और अगर आपको ये सिस्टम से BP, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी क्योर हो गया हो तो आप जूम मीटिंग पे भी अपना इंटरव्यू मेरे साथ देके आप ये अपना अनुभव पूरे विश्व को बता सकते हो। जितनी वीडियो ज्यादा बनेगी उतना फैलावा ज्यादा होगा, जितना फैलावा होगा उतना वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन हो सकेगा। तो आप हमारे संपर्क में रहिए, हमारे टच में रहिए, निःशुल्क में सेवा करते हैं, आपको कोई फीस की चिंता नहीं है। सिवाय के ये रेसिडेंशियल चीज हो तो वो अलग चीज है कि रूम का भी भाड़ा देना पड़ता है, ग्रेप्स भी लानी पड़ती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर दुनिया में कुछ चीज है वो तो समय। तो ये जो पंड्या जी आप सबको समय दे रहे हैं उनके लिए एक बार फिर से तालियां। हमारे फैमिली के लिए भी हमारे पास समय नहीं होता है और ये जो है वो पूरे विश्व को फैमिली बना के कर्नाटक से आया, जयपुर से आया, एक MP से आया, एक राजस्थान से आया, सबको फैमिली बना के पूरे दिन आपके साथ रहते हैं, आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, आपकी दवाइयाँ बंद करवाते हैं। तो ये सिस्टम से जब तक जिंदा रहते हो तब तक स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। और इनके वाइफ जो है वो इनके घर पे भी, ये केसर बहन इनके घर पे भी 365 डे ये कंसल्टिंग करते हैं। पूरे 24 घंटे में कभी भी फोन करो तो ये बात करते हैं। इनके घर पे अगर जाए तो 24 घंटे में कभी भी हमें ग्रीन जूस पिलाते हैं, पूरी डिश भर के फ्रूट खिलाते हैं, पूरी थाली भर के हमें सलाद खिलाते हैं। तो ये अकेले ये नहीं कर सकेंगे। इनकी वाइफ जो है, इनका नाम है केसर बहन, जो केसर कैरी होती है वैसे, तो वो इतने मीठे हैं कि सबको पकड़ पकड़ के पेट भर भर के और ये फ्रूट्स और सलाद खिलाते हैं। कभी भी कोई भी आता है उसको भूखा नहीं जाने देते हैं, पेट भर के फ्रूट्स खिला के भेजते हैं। तो उनके लिए केसर बहन के लिए तालियां। जितने भी लोग आते हैं प्रसाद लेके जाते हैं तो आप जितने भी लोग हो स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्ता से श्रोता महान होता है, वक्ते की तो आदत हो जाती है तो बोलता रहता है, मगर बिना बोले बैठना एक जगह पे तो महान तो आप सब हो। आप सबके लिए तालियां। आदरणीय डॉक्टर जना बेन गजेंद्र भाई, जना बेन की बहन रुपेश, उनका बेटा, सब लोगों ने हमारे लिए जो अपना बिजी शेड्यूल होता है पूरा दिन, फिर भी जब भी बुलाते हैं तो आ जाते हैं, तो सब लोग खड़े होके जबरदस्त तालियों के साथ उनका अभिवादन करेंगे और उनका धन्यवाद प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सबने हमें यहाँ पे बुलाया, आपने हमें सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।